श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन चुपचाप यहाँ रखते हैं एक रुपये का सिक्का, सात पुस्तों तक आएगा धन। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर अमावस्या के अचूक उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक और तांत्रिक उपाय हैं। दोस्तों इन उपायों को अमावस्या के दिन करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति धनवान बन जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो आप पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इन उपायों को जरूर आजमा कर देखें। साथ ही आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों घर में हर अमावस्या अथवा हर 15 दिन में पानी में खड़ा नमक यानी कि करीब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोंछा लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी अथवा खड़ा नमक के स्थान पर पिसा हुआ नमक भी डाल सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्राहत्या का पाप लगता है। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन करवाएं। अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के नियमित दान पुण्य जरूर करें। अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, उसकी 7 परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछली और कछुओं को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें, फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें, फिर एक चौड़ाई पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आए, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, साथ ही घर में कभी भी फिजूली खर्चे ना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों इसके लिए अमावस्या की शाम को आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, साथ में आपको 1 तांबे का कलश लेना है जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और उसी जल में आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। साथ में आप एक देसी का दीपक ले लें और उसमें गोल वाली बाती लगा लें। अब दोस्तों आपको अपने घर में जो माता तुलसी का पौधा होता है, उस पौधे के पास आपको 1 तांबे का कलश भरा हुआ रख देना है और पहले आपको जो है देसी का दीपक प्रज्वलित कर देना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर उसके बाद दोस्तों जो 1 लोटा कलश है उसे आपको ऐसे के ऐसे ही भरा हुआ रखा रहने देना है, तब तक दीपक जलकर बुझ ना जाए, और आपको कुछ देर के लिए तुलसी के पौधे के पास बैठे रहना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहना है। फिर उसके बाद दोस्तों जब दीपक बुझ जाएगा तब आपको उस 1 लोटा जल को लेना है और अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उस पौधे में आपको जल को छोड़ देना है। उसमें दोस्तों आपको कुछ बूंदें जल की बचा लेनी है, बाकी की बची हुई बूंदों को आप अपने पूरे घर में छींट दें और फिर जो 1 रुपये का उसमें सिक्का डला था उस सिक्के को आप लेकर माता तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी खोदकर दबा दें। दोस्तों इस उपाय को करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में रहता है। दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।